नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का फैसला आ चुका है, आने वाले 17 दिनों के अंदर आप सभी का जीवन बदल जाएगा। जी दोस्तों, आप भी कहेंगे कि हे महादेव, आपने इतनी बड़ी खुशखबरियां हमको दे दी। जी दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दी कि सब कुछ ग्रहों का खेल है, सब कुछ कर्मों का खेल है। दोस्तों, जैसा जिसने कर्म किया है भगवान उसको ऐसा परिणाम देते हैं। जी दोस्तों, और आपके अच्छे कर्म और आपके अच्छे पुरुषार्थ की वजह से आपने अपने जीवन काल में बहुत ही सफलताओं को प्राप्त किए हैं। बहुत ही आपने मेहनत करके ऐसा चीज हासिल किया है जो किसी और व्यक्ति कर नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, फिर भी कुछ समय से आप सभी के जीवन काल में ऐसी समस्याएं, ऐसी आर्थिक तंगियां चल रही है जिनसे आप बहुत ही परेशान हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं कि अच्छे कर्म करो और फल की चिंता ना करो, क्यों दोस्तों, फल तो स्वयं भगवान भोलेनाथ देते हैं। जो दोस्तों, और आने वाले 17 दिनों के अंदर भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सभी का जीवन बदलेगा, क्यों दोस्तों, यश में स्वयं भगवान भोलेनाथ आपके कर्मों का हिसाब करने वाले हैं। आने वाले 17 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो जो खुशखबरियां भगवान भोलेनाथ आपको देने वाले हैं दोस्तों, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आगे इस वीडियो में हम आपको वह सभी खुशखबरी बताएंगे, आने वाले 17 दिनों में आपके कौन कौन से कार्य बनने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों में आपके रास्ते खुलने वाले हैं, कौन कौन क्षेत्रों में आपको बड़ा लाभ की प्राप्ति होगी, ग्रहों की ये बदलती चाल और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल में प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े बदलाव करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि आने वाले 17 दिनों के अंदर आपको कौन सी महत्वपूर्ण सावधानियां रखनी चाहिए, इनसे दोस्तों अपने जीवन काल को और भी ज्यादा बेहतर बना पाएंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो ग्रह गोचर पर निर्मित पूर्णतः आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होंगी। इन्हें बिल्कुल ही मिस करने की भूल ना करें और एक स्वच्छ इंसान की तरह वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आपका जीवन बदल जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो दोस्तों, स्वयं भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तू मुझ पर यकीन कर, अपने रास्ते पर चलता जा, तेरे साथ कोई है या नहीं है इस बात की फिक्र मत कर, क्योंकि इस बात की फिक्र मैं करूंगा, क्योंकि तुम्हारा कर्म जैसा होगा तुम्हारा साथ भी वैसा होगा। जी दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। जो भी उनके दर पर जाते हैं उनका मनोकामनाएं स्वयं भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। लेकिन दोस्तों, आने वाले 17 दिनों के अंदर आपके जीवनकाल में इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेंगी कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है, अगर हम उन्हें ना छोड़े तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ते। जी दोस्तों, यह बात में अगर आपको सच्चाई लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ साथ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कभी भी अपने जीवन काल में आगे बढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अगर आपको सफलता भी मिली है तो उन सफलताओं पर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड भगवान का आहार होता है। जी दोस्तों, हम आप शिव को बता दें कि अपने रूप और रुपए का, खासकर दोस्तों अपने रूप और रुपए का, क्योंकि मोर को उनके पंखों का बोझ ही ऊंचा उड़ने नहीं देता। तो दोस्तों, अगर यह बातें आपको सच्ची लगी हो, सटीक लगी हो, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और उनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आए दोस्तों, सगी साथ बात करते हैं, आने वाले 17 दिनों के अंदर भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके नसीब में क्या क्या लिखा है। दोस्तों, यश में राजकीय कार्य किसी की मदद से पूरा होने की आशा रहे, इसलिए दोस्तों आपको यश में प्रयास करना चाहिए। परिवार में किसी नए मेहमान की किलकारी संबंधी कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। जिंदगी को सकारात्मक और खुशनुमा बनाए रखने के लिए आपका प्रयास काफी हद तक यश में सफल रहेगा। किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, ये मुलाकात आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में कभी कभी आप सामाजिक तौर पर अपनी उत्तम पहचान बनाने के चक्कर में कुछ गलत निर्णय भी ले लेंगे, जिसकी वजह से आपकी इमेज भी बिगड़ सकती है। तो दोस्तों, यश में इन बातों पर ध्यान दें। विद्यार्थी तथा युवाओं को अपनी पढ़ाई व फिर करियर के लिए अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत होगी। दोस्तों, यश में सभी चीजों को लेकर आप सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि धीरे धीरे परिस्थिति पर पूरी तरह से आप नियंत्रण कर पा रहे हैं। जीवन में स्थिरता बनाए रखने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में खुद को मानसिक रूप से स्थिर रखना आपके लिए बेहतर होगा। खुद की मानसिक और शारीरिक
तंदुरुस्ती रखने के लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यशो में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि परिवार में सुख समृद्धि तथा उचित व्यवस्था संबंधी योजना को बनाने के लिए जो दिन होंगे बहुत ही उत्तम दिन होगा। ईश्वर के आशीर्वाद से आप उचित उपलब्धियों को आप भी हासिल करेंगे। भावनात्मक रूप से आप इनमें सक्षम और समर्थ भी रहेंगे। आपको बता दें कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी समय जो है बहुत ही अनुकूल समय होगा। आप यश में अपने पढ़ाई पर ध्यान को रखें, आगे चलकर आपका सफलता इंतजार कर रहा है। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें कि अपरिचित लोगों से आपको सावधान रहना होगा। आपका कोई आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। आपके बोलचाल के लहजे से किसी का मन दुखी भी हो सकता है, इसलिए दोस्तों अपनी वाणी पर इसमें संयम रखें। अपने जो आदर्शों और फिर वसूलों से किसी भी प्रकार का समझौता ना करें, ये आपके लिए बेहतर साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें यश में आपके खुद के प्रति रखी अपेक्षाओं को पूरा कर पाना आपके लिए इसमें संभव होगा। फिर भी जरूरत से अधिक खुद पर दबाव ना बनाए। कौन सी बातें आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और कौन सी नहीं, इस बात पर आपको यश में ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में विदेश जाने के इच्छुक लोगों की रुकावटें यश में दूर हो सकती है, इसलिए दोस्तों उचित प्रयास करें। आपको बता दें कि किसी खास व्यक्ति से मेलजोल आपका बढ़ेगा तथा जीवन में ठहराव भी आएगा। दोस्तों परिवार के साथ धार्मिक यात्रा के प्रोग्राम भी यश में बन सकते हैं। आप जिस अटके हुए कार्य के लिए परेशान हो रहे थे दोस्तों, वह कार्य भी बिना रुकावट से पूरा हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें कि पैतृक गतिविधियों को लेकर भाइयों के साथ अनबन भी हो सकती है। मन में तरह तरह की शंकाएं आएंगी। तमाम समस्याओं से उभरने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। गलत लोग आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, तो दोस्तों इन लोगों से दूरी बनाकर रखें। जो लग रहा है कि आपके लिए नुकसानदायक है, उन लोगों से इसमें दूरी बनाकर रखें। इसके साथ दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि आपके अंदर आ रहे बदलाव पर ध्यान देने की आप कोशिश करें। आपको योग्य व्यक्ति द्वारा मार्गदर्शन भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन दोस्तों किस बात पर ध्यान देना है और किस बात पर नहीं, ये आपको इसमें तय करना होगा। इसलिए सही लोगों की संगत में रहने की आप कोशिश करें, ये आपके भविष्य के लिए बेहतर साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशो में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें आपका समय बहुत ही अनुकूल समय होगा। शांतिपूर्ण तरीके से काम संपन्न होते जाएंगे। संतान पक्ष की तरफ से चल रही किसी चिंता से आपको निजात मिलेगी। जिन लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा वे सब लोग आपकी योग्यता के कायल हो जाएंगे। यह समय आप रचनात्मक और उत्साह से भरपूर रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में दोपहर के बाद परिस्थितियां कुछ बदलेंगी। इनमें कुछ समस्याओं को लेकर आपको मायूसी मिल सकती है तथा दोस्तों आप अपने लक्ष्यों से आप यश में भटक सकते हैं। तो दोस्तों इन बातों पर यश में ध्यान रखें, जो है गलत संगतों से आप दूरी बनाकर रखें, ये आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक समय होगा। इसलिए दोस्तों यश में लापरवाही ना बरतते हुए इन बातों पर ध्यान दें। इसके साथ दोस्तों यश में आपके लिए सुनोगे। आपको बता दें कि काम से संबंधित बातों पर अधिक ध्यान देने की भी आवश्यकता होगी। जो लोग आपके नीचे काम करते हैं ऐसे लोगों द्वारा किसी बात में आपको फंसाया भी जा सकता है। परिवार के लोगों द्वारा मानसिक समाधान भी प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में मित्रों के साथ दूरियां बढ़ने की वजह से थोड़ी सी चिंता भी आपकी बढ़ सकती है। तो दोस्तों जो भी अच्छे मित्र हैं उनसे यश में दोस्ती बढ़ाने की प्रयास करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में व्यवसाय तथा कारोबार में कुछ ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय सार्थक रहेंगे। परिवार से भी सहयोग मिलने अथवा आपका आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। दोस्तों पारिवारिक बदलाव की संभावनाएं प्रबल होंगी। नौकरी में पदोन्नति अथवा वेतन वृद्धि की संभावना यश में बन रही है। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में व्यवसाय में कड़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी, परंतु आप अपनी मेहनत द्वारा सफलता भी हासिल करने में यश में सक्षम रहेंगे। सिर्फ अपने अंदर ही किसी प्रकार की भ्रम न उपजने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। टैक्स से जुड़े मामले आपको परेशान कर सकते हैं। यश में शेयर मार्केट सट्टा आती है, जिसे कार्यों में रुचि लेना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों ये आपके करियर के लिए बेहतर साबित होंगे, तो इन सभी बातों पर आपको गौर करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यवसाय में भविष्य संबंधी कुछ योजनाएं क्रियान्वित होंगी। अभी किया गया परिश्रम आगे चलकर आपके लिए लाभ देगा। तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होंगी तथा आपकी पद प्रतिष्ठा में भी यश में बढ़ोतरी होने वाली है। दोस्तों ऑफिस में किसी सहयोगियों के साथ काम लेकर मतभेद हो सकता है, तो दोस्तों यश में इनसे सावधान रहें, इनसे जो है झगड़ा करने से बचें।
इसके साथ दोस्तों यशु में आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों यशु में मशीनरी से संबंधित व्यवसाय में सावधानी पूर्वक ही कोई निर्णय लें, किंतु भविष्य की योजनाओं को लेकर की गई भागदौड़ी लाभकारी साबित होगी। व्यवसाय में नए योजनाओं पर अमल करने का उचित समय होगा दोस्तों। वहीं नौकरी के काम में अतिरिक्त दबाव भी आपके ऊपर बना रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में परिवार में प्रेम तथा समर्पण की भावना रहेगी। संतान आपकी आज्ञा में रहेगा तथा प्रेम संबंध मर्यादित तथा एक दूसरे के प्रति भावना प्रधान बनी रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि परिवार के प्रति आपका सहयोग घर के माहौल को खुशनुमा बनाकर रखेगा। मेहमान नवाजी में सुखद समय व्यतीत होगा। पुराने मित्रों से मुलाकात पुरानी यादें को भी ताजे करेंगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों किसी किसी समय मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ महसूस करेंगे। सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहना आपके लिए बेहतर होगा।